श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों हैं? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये दो ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमन जी सब जगह प्रधानता बांकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली है, मुकुट ऐसा है, पर जगन्नाथ जी की दो ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। तो देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवानो जाने बस जगन्नाथ प्रभु से। अधर हैं तो मतलब गावे वारे ठाकुर जी हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी, अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में, ये जय जय देव हरे ठाकुर जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु नहीं गा रहे हैं। इस अष्टपदी की विशेषता है कि जयदेव महाप्रभु तो वर्णन करना चाहते हैं जय जगदीश हरे, अभिनव जलधर सुंदर ध्रत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जगदीश हरे, ये लिखना चाह रहे हैं जयदेव महाप्रभु तो। पर जयदेव महाप्रभु ने जाकर के जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु को ये अष्टपदी सुनाई, ये अष्टपदी सुनकर के जगन्नाथ भगवान के अधर जो है वो बोल पड़े और जयदेव महाप्रभु को वाद्य होना पड़ा अपनी लेखनी मिटाने पर। बोले जब ठाकुर जी स्वयं गा रहे हैं तो फिर हम अपनी क्यों थोपे जय जगदीश हरे। तो जैसे ही जयदेव महाप्रभु बोले अभिनव जलधर सुंदर ध्रत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर, जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं जय जगदीश हरे, पर जयदेव महाप्रभु की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, इतने वेग से जगन्नाथ प्रभु ने गाया कि सबको एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जय देव हरे। जगदीश की जय जय नहीं है, जगदीश को भजवे वारे जयदेव की जय हो, बोलवे वारे ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, कोई बुलवानो जाने। अच्छा जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है, जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्त नाद आर्त भाव से मुंह को पुकारे और वासमय में वाकी रक्षा के लिए वासमय वाकू दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगो, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुंह को रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहे है, कौन के पास जा रहे है, और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे, अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है, ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो माता पिता उसको रोकने के लिए उस स्थान की खूब सारी बुराइयां कर देते हैं, अरे झूला में नहीं झूलना चाहिए, उसके पेच ढीले हो जाते हैं, झूला गिर जाता है कितने लोग मर जाते हैं, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले दूध जो होता है वो सड़ा हुआ होता है, मैगी नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले इसमें गिराड होती है। ऐसे अवगुण बताते हैं तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं पेट में, पेट की सब चर्बी खा जाते हैं, बच्चे डर के मारे बोलते हैं अच्छा तो नहीं खाएंगे, फिर भी बच्चे खा तो जाते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं
तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी, ये मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, ये आगे आके जाएंगे कहा, इनके पीछे कौन आवेगो। अच्छा जगह है पीछे वाले, आप बुरो मत मानियो कि जेल से मैं बैठा दिए हैं, आप सब बहुत प्यारे हो हैं, बस ये थोड़ी व्यवस्था के लिए है। नेक नेक और याकू, ये रेलिंग जो है इसको कल थोड़ा नेक और आगे है जाए तो देख लियो, बाकी आपकी इच्छा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसी रूखी जय बोल रहे हो हैं, ठाकुर जी आंख फाड़ के खड़े हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा। सब लोग इधर देखो, आते जाएं बैठते जाएं, बस बाकी सब लोग बैठ जाओ, महाराज बैठ जाओ, इनको बैठा दो, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे सब अपने आप। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जे बलभद्र सुभद्रा जे मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो, तो उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। कौन भक्त, तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे, सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए, और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी, वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाकु भाव हो वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर, जी बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसो है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं, जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, यूं एक दिखाते हैं दिख जाए तो, ये हमारे जगन्नाथ जी देखो, जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको, सर्दी नहीं लग रही है, जे कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के और हमारी बातन ने ना माने। ठाकुर जी बोले कहां बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो, अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहां बोल रहे, मुकुद को सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुने ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जे कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वह भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं वहां के अवगुण मुझे कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुन ना रहा हूं, मैं तो जाऊंगो वहां पर कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते, बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं। कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं है, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, बोले मुंह सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं, जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो मैं वाकई कोई अवगुण विचार ना करूं। कैसे कैसे भक्तन पर श्री जगन्नाथ जी ने अनुग्रह कियो है। हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी, बहुत दयालु है। इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितने हमारे श्री जगन्नाथ जी में। आप लोग कहेंगे आप तो व्यास हो, व्यासन को एक ही काम है जाके कथा करें वही के पक्ष में चले जाएं, ऐसी बात नहीं है।
हम चाहे कितनी कथा करें, हम गिरधर लाल जी के उपासक हैं, उनके कान पे पट्टा बांध के आया हूं, कहीं सुन नहीं ले सुन ले तो का है, एक ही तो है, कोई अलग थोड़े है। वही राधा रमण है, वही श्रीनाथ जी हैं, वही जगन्नाथ हैं। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो उसी जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति, कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत जी में जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है, जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का हुआ। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सब के अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी हैं। आज के नहीं है ठाकुर जी, अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो मैं निवेदन कर रहा था भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किसने किया। श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किया है परीक्षित की माता जी ने। क्या नाम है उनका? उत्तरा। उत्तरा ने सबसे पहले भागवत जी में जगन्नाथ नाम का उच्चारण किया है। कब किया? आप लोगों ने भागवत जी कथा सुनी होगी। तो भागवत जी में जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती है, भगवान रथ में बैठकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं, उस समय उत्तरा गाती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगन्नाथ जी को सबसे पहले पुकारा है श्रीमद् भागवत जी में उत्तरा ने। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ किसको कहते हैं? रक्षक को नाथ कहा जाता है। किसको कहते हैं? रक्षक को। और मानव का रक्षक कौन होता है? रक्षक को ही नाथ कहते हैं और रक्षक को ही पति कहते हैं। पति को भी रक्षक, पति शब्द का अर्थ भी रक्षक ही होता है। कुल का रक्षक, पत्नी का रक्षक, बच्चों का रक्षक, वही पति। जगन्नाथ और जगतपति शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। नाथ और पति एक ही बात होती है। भागवत जी में सबसे पहले उत्तरा कहती है, भगवान को सबसे पहला नाम क्या दिया? महायोगिन। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, क्या कहा? महायोगिन। कौन है? पाही पाही महायोगिन। महायोगिन का मतलब क्या है? बोले योगी नहीं है ये, ये महायोगी है। बोले योगी किसको कहते हैं? बोले योगी उसको कहते हैं जो नेत्र बंद करके बैठा रहे, ध्यान लगावे, घंटों तक, वर्षों तक, महीनों तक नेत्र ना खोले, उसको योगी कहते हैं। बोले ये कौन है? बोले योगी नहीं है, ये महायोगी है। बोले क्यों? बोले जादनाते बैठे वादनाते आंख बंद ही नहीं करी है, आंख खोल के बैठे।
आंख बंद करके बैठना ये एक योगी कर सकता है और कोई भी कर सकता है, आंख बंद करके कोई भी बैठ सकता, पर आंख खोल करके बैठना ये योगी नहीं कर सकता, ये तो महायोगी कर सकता है। आप नेत्र खोल करके अपलक नेत्रों से कितनी देर बैठ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट, न का देर में आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी, महाराज पलक आपको झपकनी पड़ेगी। तो नेत्र बंद करके बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मान लेंगे हम नेत्र बंद करके बैठने वाले को। पर ये कौन है? बोले ये तो महायोगी है। महायोगी क्यों है? बोले नेत्र खोल करके बैठे, अपलक नेत्रों से बैठे, झपकते ही नहीं है। पाही पाही महायोगिन। और कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। सारे देवता आते हैं और सब आकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के संपूर्ण मंदिर में 33 कोटि देवता हैं, पूरे मंदिर में सब प्रणाम करते हैं, सब नीचे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। और कौन है? बोले तब नामकरण हुआ जगतपते, जगतपति, जगत के रक्षक, जगत के नाथ, श्री जगन्नाथ।